कल आरजेडी वाले कह रहे थे कि बीजेपी वाले चिराग के सांसदों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब जरा चिराग पासवान को सुनिए। दरअसल आरजेडी की ओर से ऐसा दावा किया गया जिसके बाद सियासी हंगामा सा शुरू हो गया। आरजेडी की ओर से कहा गया कि चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है और बीजेपी की ओर से एलजेपी रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी के 3 सांसदों को बीजेपी में शामिल कराने की कोशिश हो रही है। देखिए, चिराग जी के जो 3 सांसद हैं उनको बीजेपी अपने कब्जा में लेने के लिए पहल शुरू कर दिया है। 3 सांसद को? बिल्कुल। और आपको आपको बहुत जल्द ये नतीजा सामने आएगा कि एलजेपी रामविलास जी के 3 सांसद जो हैं वो बीजेपी में समाहित हो जाएंगे। बीजेपी का तो इतिहास रहा है, आपने देखा है कि कई माननीय विधायकों को अपने पाले में लेने का काम किया, वीआईपी को समाप्त करने का काम किया, अब लोजपा पर वो लगी हुई है। जब जब रामविलास जी के पार्टी और उनके नेता जो चिराग पासवान जी हैं वो अगर आँख दिखाते हैं तो उनका इलाज करना वो लोग शुरू कर देता है। आपने देखा पिछले दिनों 2 दिन पहले ही हमने देखा है कि पशुपति पारस जी अमित शाह जी से मिले हैं, दिलीप जायसवाल जी उनके घर जाते हैं। उसके बाद ये महज संयोग नहीं है कि 4 दिन बाद ही अमित शाह जी से मुलाकात हो रहा है पशुपति पारस जी का। तो कहीं ना कहीं चिराग जी को कमज़ोर करने के लिए और उनके पार्टी के सांसदों को अपने पार्टी में मिलाने के लिए बीजेपी पहल शुरू कर दिया है। चिराग के सांसदों के लिए बयानबाजी हुई तो एलजेपी की सांसद शांभवी चौधरी ने साफ कर दिया कि हैं वो चिराग के साथ। नहीं नहीं नहीं, ये सब बेफालतू बेतुकी बातें हैं। हम लोग पार्टी के जितने भी सांसद हैं हम लोग मजबूती से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के साथ खड़े हैं। उनका अभी वापस से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। हम लोग सब राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के लिए रांची गए थे और आने वाले सिर्फ अभी नहीं आने वाले समय में भी हम लोग मजबूती के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ खड़े हैं, पार्टी के साथ खड़े हैं और आने वाले हर विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। वहीं बीजेपी की ओर से सीधे कहा गया कि आरजेडी वालों की बात सुनिए मत, ध्यान देने लायक बात करते ही नहीं। देखिए, आरजेडी क्या कर रही है उस पर कोई नोटिस वोटिस लेता होता नहीं है और नोटिस लेने की भी जरूरत भी नहीं है। हम बिहार के लोगों से आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि अब लालू जी कुछ बोलेंगे, तेजस्वी जी कुछ बोलेंगे, अब राबड़ी माता जी कुछ बोलेंगी, उनके बातों पर नोटिस लेने की जरूरत नहीं है। सबका कहानी खत्म होने वाला है। मेरा सिर्फ एक सलाह है कि अगर राजनीति के एक्सपर्ट कोई हॉस्पिटल नहीं है और लगता है कि इनका जो तुष्टिकरण की राजनीति है, तुष्टिकरण के राजनीति में ये लोग इतने पागल हो चुके हैं कि इनकी दिमाग की इलाज की ज़रूरत है। अगर यहाँ हॉस्पिटल नहीं है बिहार में तो दिल्ली मोदी जी वाले जो एम्स है मोदी जी का, वहाँ जाके इलाज करा लें, तब बताएं और स्वस्थ हो जाए तब बताएं बिहार के बारे में कि कौन सा बिहार। लेकिन सभी की नज़र चिराग पासवान पर थी कि आखिर चिराग क्या कहेंगे। अब चिराग पासवान ने भी साफ कर दिया है और सीधे सीधे आरजेडी वाले को कह दिया है, कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ये जो सोच ये लोग रखते हैं ना कि भैया बार बार एक ही पैंतरा आजमा लिया जाएगा, मेरे पार्टी के सांसद खुद इस बात का स्पष्टीकरण दे चुके हैं। हर कार्यक्रम में मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर भी उन्हीं लोगों की सहमति थी। तो जो लोग सोचते हैं कि भैया इस तरीके की सोच या इस तरीके के र्यूमर्स को हवा देकर चिराग पासवान को डरा लिया जाएगा, ये कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। ये जो सोच है, जो मंशा है चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बढ़ते प्रभाव को इस तरीके के र्यूमर से डरा कर रोक लेने की, विपक्ष की ये सोच कभी धरातल पर नहीं उतरेगी। तो चिराग कह रहे हैं कि उनके 3 सांसदों को तोड़ने की सारी बातें गलत हैं, निराधार हैं, बेतुकी हैं और आरजेडी वाले सिर्फ खुद को दिलासा दे रहे हैं।